ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एरियाज़, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेयर करे गए हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। थ्रेट्स ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उससे पहले अगेन एक बार हम डिफाइन कर लेते हैं भाई, बायो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी का क्या है। लार्ज रीजन्स कंटेनिंग एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंडिज्म एंड एक्सपीरियंसिंग हाई रेट ऑफ लॉस, हैबिटेट लॉस, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नेचुरल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। एक तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप की बात करते हैं, तो वो टाइप क्यों ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। उसका जो 70% है नेचुरैलिटी जो है, नेचुरैलिटी हैबिटेट है, वो क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो इस तरीके से जो अगर कोई कंडीशन वहाँ पे अप्लाई हो रही है या इस तरीके कोई सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे हो रहे हैं, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में। जैसे कि पीछे आपने एक न्यूज़ पढ़ी सुनी होगी कि एक पॉन्ड, एक तालाब में बहुत सारे मछलियाँ मर गई थी, या फिर वहाँ वहाँ पे उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु मर गए, ठीक है। अब ऐसे क्या कर सकते हैं, अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस सामने आती हैं, इस तरीके की सिचुएशन सामने आती हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपरली जो साइट है वहाँ पे क्या है, प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, उसको हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेयर किया जाता है और रीज़न फाइंड आउट किया जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि एक न्यूज़ ये भी आई थी कि एक जगह बहुत सारी चिड़ियाँ मर गई थी, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या इसकी वजह थी, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लार्ज रीजन कंटेनिंग एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंडेमिज्म एंड एक्सपीरियंसिंग हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर मेथड टू आइडेंटिफाई दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर अटेंशन इज नीडेड टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, यानी कि वेराइटीज ऑफ लाइफ लॉस हो रही है, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर करते हैं एंड गाइड इन्वेस्टमेंट इन कंजर्वेशन। और ये गाइड करते हैं कि कितना किस तरीके से वहाँ पे प्रिस्क्राइब प्रोविजंस फॉलो किए जाएं, ताकि इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी किया जाए कि भी ऐसा क्यों हुआ, अगर वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द आइडिया वाज फर्स्ट डेवलप बाय द नॉर्मन मेयर इन 1988, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसकी, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्पेशली रिफर्स टू द बायोलॉजिकल रिच एरियाज अराउंड दिस वर्ल्ड दैट हैव लॉस्ट सम्स परसेंटेज ऑफ देयर ओरिजिनल हैबिटेट, ठीक है। यानी कि अपना जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसका कुछ परसेंट उसने लॉस कर दिया, तो ऐसे एरियाज हाई हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी में डिक्लेयर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रीजन एरिया है या नंबर ऑफ प्लांट्स है, कीप रीजन एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, 6000 प्लांट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपलैंड वेस्टर्न, ठीक है, यहाँ पे 5000 डिक्लेयर हुए हैं। वेस्टर्न घाट इंडिया 1660, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट इंडिया 1660, मेडागास्कर 4500, कैलिफोर्निया 2140, श्रीलंका 500, फिलीपींस 3500, ऑस्ट्रेलिया 2830, कोलंबिया 2500। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के तौर पे हम इनको स्टडी कर सकते हैं कि भाई द रिमेनिंग नेचुरल हैबिटेट इन दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अमंग जस्ट 1.4% ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द प्लैनेट येट सपोर्ट नियरली 60% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स बर्ड्स मैमल रेप्टाइल ऑफ देयर स्पीशीज, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ डाइवर्सिटी, द अर्थ एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी आर डायनामिक एंड एवर चेंजिंग एज अ सच एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इज अ नेचुरल फिनोमिना रिकॉर्ड दैट ऑल स्पीशीज हैव अ डेफिनेट लाइफ एंड लाइफ स्पैन इट इज बाउंड टू फिनिश आफ्टर द
देन बट द कॉज ऑफ कंसर्न इज रेट ऑफ विच स्पेशीज डिक्रीज द फिनिश इन प्रेजेंट डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट ऑफ डाइवर्सिटी कि भाई कौन सा ऐसा थ्रेट है या कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिके हो रही है, एक तरीके से खत्म हो रही है। ठीक है, और उसको हम प्रिवेंट कर सक करके इस जो भी ये प्रॉब्लम है उसको रोक सकें। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया था कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारी स्पैरोज मारी गई। ठीक है, अब वहां पे हम ये देख रहे हैं कि अभी ऐसा हुआ क्यों, ताकि हम आने वाले टाइम में इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज हो तो उसको पहले से हम रोक सकें। एक तालाब में बहुत सारे जीव जंतु मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले सभी जीव जंतु और वहां पे क्या हो गए, मर गए। ठीक है, या फिर कोई प्लांट है उसमें कोई डिसीज लग गया है, पूरी पूरा एक तरीके से एरिया हम कहें कि वहां पे क्या हो गया, डाइवर्सिटी लॉस हो गई, तो क्यों हुई, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी, द अर्थ एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी आर डायनामिक एंड एवर चेंजिंग, एज अ सच एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज इट इज नेचुरल फिनोमिना, रिकॉर्ड दैट ऑल स्पीशीज हैव अ डेफिनेट लाइफ एंड लाइफ्स अबाउंड टू फिनिश द आफ्टर दैट दैट बट द कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, लेकिन हमें कॉज फाइंड आउट करने होते हैं, इज द रेट ऑफ विच स्पेशीज डिक्रीज और फिनिश इन प्रेजेंट डे ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट और एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग। इसमें दोनों ही कारण हो सकते हैं, या तो नेचुरलिटी के साथ ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है, या फिर कुछ मैन मेड रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ का जो नेचुरल डाइवर्सिटी है या फिर वो लॉस हुई है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्साइटू कंजर्वेशन, इनसाइटू कंजर्वेशन। एक्साइटू कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, रिसर्च सेंटर्स, बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल गार्डन्स। ठीक है, जीन बैंक्स की बात कर रहे हैं, सीड बैंक की बात कर रहे हैं, इन ग्लास प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें तो एक्साइटू में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल, बॉटनिकल, जूलॉजिकल गार्डन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीन बैंक की बात कर रहे हैं, सीड बैंक की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं इन ग्लास प्रिजर्वेशन। इन साइट कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, सैनिक्चुरीज और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम बात कर रहे हैं टेरिटरी और मैरीन। ठीक है, तो ये डिक्लेयर कर दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे प्रॉपरली सारी चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकें और जो डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रख सकें। जैसे कि आपने देखा होगा अफ्रीका से कुछ लेपर्ड टाइगर्स को मंगवाया गया था, और रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया था कि इंडिया में उड़ीसा में कुछ न्यू टाइप्स के टाइगर्स देखने को मिले हैं, या जो लेपर्ड वगैरह होते हैं ये देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो हमारी डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू रिटेन द कैपेबिलिटी ऑफ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इट इज इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू सेव एंड मेंटेन स्पीशीज एंड इको सिस्टम ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इनको मेंटेन करके रख सकते हैं और अर्थ पे। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, देयर आर नंबर ऑफ एफर्ट्स टू सेव बायोडाइवर्सिटी एंड कैटेगराइज इन टू टू वेज, एक्साइट कंजर्वेशन। ठीक है, एक्साइट कंजर्वेशन क्या है, दिस इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, दिस इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल एज वाइल्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड स्पीशीज एंड drawn on a diverse body of the techniques and facilities. Ex-site conservation include gene bank, seed bank, in vitro plant issues, microbioculture and collection. ठीक है, different genes and their category in different species
कलेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर जू गार्डन एंड रिसर्च, जैसे कि हम कलेक्ट करके रख लेते हैं, फिर हम उसको एक तरीके से उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं कि भाई ये प्राणी आज के टाइम में है, या ये स्पेशीज हैं। जैसे कि आपने सुना था मेढक की एक नई प्रजाति देखने को मिली थी, टॉर्टाइस का। ये तो ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोट कर सकते हैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इनसाइट कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ स्पेशीज इट देयर्स नेचुरल हैबिटेट, कंजर्विंग द एरिया वेयर पॉपुलेशन ऑफ स्पेशीज एग्जिट। ठीक है, एग्जिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, इंगल सही कर लीजिए। नेचुरली स्पेशीज आर फाउंड इन दीज एरिया कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय द गवर्नमेंट। इट इज डन बिकॉज नेशनल स्ट्रेटजीज आर ऑल अबाउट दीज एंड दीज आर प्रोवाइडेड विद द अदर बींग्स टू डिफरेंट वे। सम स्पेशीज एरिया आर जो ना, जैसे तरान हिमालयाज है, हिमालय है, डेजर्ट है, वेस्टर्न घाट है, कोस्ट एरिया है, आइसलैंड है, तो ये क्या है, वास्ट एरियाज हैं। किसके, वैरायटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था स्टूडेंट, जिसमें हमने बात करी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसको हम एक्साइट कंजर्वेशन और इनसाइट कंजर्वेशन के तरीके से बात कर सकते हैं। तो एक्साइट कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं रिसर्च सेंटर की, बायोलॉजिकल बॉटनिकल जियोलॉजिकल गार्डन्स की, जीन बैंक की, सीड बैंक की और ग्लास प्रिजर्वेशन की। ठीक है, इनसाइट कंजर्वेशन में हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क, सनेक्चुरीज और बायोस्फीयर्स। तो ये दोनों ही क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ताकि हम उन स्पेशीज उन कम्युनिटीज को प्रिजर्व करके रख सकें, ताकि उस आने वाले टाइम में वो सर्वाइव हों और उनकी भी एक हमारे काउंटिंग हो हमारे किस में, बॉटनिकल गार्डन्स में, जूलॉजिकल गार्डन्स में, जूज में, बहुत सारे सेंटर्स में। ओके, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इस कंजर्वेशन को हम अगले लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।